इन चीज़ों से हमेशा रहना चाहिए संतुष्ट, नहीं तो जीवन में फैलती है अशांति। आचार्य चाणक्य को भारतीय इतिहास के महान ज्ञानियों में से एक माना जाता है और उनकी नीतियों से आज भी लोग अपने जीवन का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियों में कई ऐसे सवालों का सटीक और सीधा जवाब मिल जाता है जिनका जवाब खोजने में व्यक्ति का पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में ऐसी कुछ चीज़ों और स्थितियों का जिक्र किया है जिनके बारे में उनका मानना है कि व्यक्ति को इन चीज़ों से हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, नहीं तो उसके जीवन में समस्याओं का अंत कभी भी नहीं होता है और जीवन में अशांति बनी रहती है। आइए जानते हैं इन्हीं स्थितियों के बारे में। नंबर एक पर है ईमानदारी से कमाया हुआ धन। आचार्य चाणक्य का ऐसा मानना है कि व्यक्ति को हमेशा ईमानदारी से अर्जित किए हुए धन से संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि धन एक ऐसी चीज़ है जिसकी कमी मनुष्य को हमेशा महसूस होती रहती है, जिस कारण वो अधिक से अधिक धन कमाने के बारे में सोचता रहता है और कई बार गलत तरीके से भी अपना लेता है। ये गलत तरीके उसे बड़ी परेशानी में डाल सकते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि जीवन में शांति बनाए रखने के लिए व्यक्ति ईमानदारी से कमाए हुए अपने धन से हमेशा संतुष्ट रहे। नंबर दो पर है भगवान ने जो भोजन दिया है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में लिखा है कि व्यक्ति को हमेशा जो वो भोजन कर रहा है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत लोग बहुत नसीब वाले होते हैं जिनकी किस्मत में भोजन होता है, और ऐसे लोग जो भोजन से संतुष्ट नहीं होते हैं उनके जीवन में शांति भी नहीं रहती है। नंबर तीन, अपने जीवन साथी से। आचार्य चाणक्य का ये मानना है कि व्यक्ति को अपने जीवन साथी से हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, नहीं तो उसके जीवन से परेशानियाँ कभी भी नहीं जाती हैं और वो चैन से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार पत्नी अगर सुंदर ना हो तो भी व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए और किसी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए, वरना व्यक्ति अपने लिए स्वयं ही मुसीबतों को आमंत्रित कर लेता है। तो ये थी कुछ ऐसी स्थितियाँ जहाँ व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसी स्थितियाँ जिनमें व्यक्ति को असंतुष्ट रहना चाहिए। नंबर एक, व्यक्ति को शिक्षा और ज्ञान के मामले में असंतुष्ट रहना चाहिए। आप जितना असंतुष्ट रहेंगे उतने ही काबिल और योग्य बनेंगे। शिक्षा और ज्ञान आपको मान सम्मान और धन सब कुछ दिला सकते हैं। नंबर दो, दान करने के मामले में व्यक्ति को हमेशा असंतुष्ट रहना चाहिए। दान से हमें पुण्य मिलता है और हमारा जीवन सुधरता है। तीन, परमेश्वर के मंत्र का जितना जाप करेंगे उतना ही अपना भला कर लेंगे, इसलिए मंत्र के जाप में कभी भी संतुष्ट ना हो। तो ये थी चाणक्य नीति में बताई गई कुछ ज़रूरी बातें, उम्मीद है आपके काम आएंगी। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।